मित्रों, मरजानी कृष्णा सोपती की लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जो एक आम मध्य वर्गीय परिवार से घटित है। अमेजोन पर इस किताब को 5 में से 4.1 और गुडरीड्स पर 3.1 की रेटिंग मिली है। गूगल पर 92% यूजर ने इस किताब को लाइक किया है। किताब का नवा एडिशन राजकमल प्रकाशन से 2018 में आया है। किताब में 98 पेज हैं। करेंगे इस किताब के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट हमारी मिलती रहे। हाय, मैं हूँ ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। कृष्णा सोपती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही हैं। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। 1996 में उन्हें साहित्य अकेडमी का फेलो बनाया गया, जो की अकेडमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये मुख्यतः कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। इन कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने फिक्शन की एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया है, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ए लड़की, डार से बिछड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़ जैसे कथाकृतियां अपने इस विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी है। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को लंबी बीमारी के बाद सुबह 8:30 बजे निजी अस्पताल में हुआ। मित्रों, मरजानी कृष्णा सोपती का हिंदी में लिखा एक ऐसा उपन्यास है जो अपने अनूठे कथा शिल्प के कारण हमेशा ही चर्चा में रहा। इस उपन्यास की नायिका मित्रों का मुंहजोर और सहजोर चरित्र बेहद विशिष्ट, सहज और अनूठा है। मित्रों की जीवनगत जरूरतों और दैहिक पारिवारिक सामाजिक वास्तविकता को कृष्णा सोपती ने इतनी सम्मोहक शैली में चित्रित किया है जिसकी मिसाल हिंदी में अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। हिंदी उपन्यास जगत में अपनी उपस्थिति का उजास भरने वाली मित्रों एक ऐसी पहली नारी पात्र है जिसको रचने में कृष्णा सोपती को बहुत साहस, निर्ममता और ममता की जरूरत पड़ी होगी। मित्रों, मरजानी कृष्णा सोपती की लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जो एक आम मध्य वर्गीय परिवार में घटित होती है। वह मित्रों के बहाने स्त्री को उसकी इच्छाओं के लिए जीने, जूझने और लड़ने का हथियार देती है। मित्रों एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो खुद से प्यार करती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में संकोच नहीं करती। वह अपने अधिकारों के लिए बोलती भी है, झगड़ती भी है। वो खुद के लिए जीना चाहती है लेकिन उसकी इच्छाएं दबी रह जाती हैं। बॉलीवुड की कई फिल्में इसी विषय पर बनी कि आखिर एक महिला अपने सेक्स डिजायर का क्या करे, नारी सुचिता के नाम पर एक स्त्री देह आखिर क्यों दबे। वो लिखती हैं, फूलावंती के दरवाजे के आगे निकली तो छेड़खानी सूझ झाक कर आवाज दी, आज तो फूलावंती तू बड़े रंगों में, तेरे तो ताजी ताजी इलायची दाने वाली माला गढ़कर आई है। फूलवंती ने दांत तले जीभ दबा ली, बैरन कहां से पता आ गई, हाथ का कसीदा छोड़ दहलीज पर आन खड़ी हुई, तुम्हारा ही मुंह मुबारक हो जिठानी, इलायची दाने की कौन कहे, इस घर तो फटा छल्ला भी दवाल नहीं। मजली कूले मटका हसदी, बारे बहन फरेब बनती, इस कलयुग में जो पूजा ही गौड़ ग्रंथ की तो तू ही क्यों सच बोले, छुटकी माला तो तेरी चोरी पिटारी में, और सास जिठानी को ये चकमा, तू हजार तातेश्वर देवरानी पर औरत की जून पर गहना गट्टा संभालने को विद्या किसे नहीं आती, अरे जादू के जोर तू माला कलेजे में भी छिपा ले तो भी उसे देख लेने का मंत्र मित्रों के पास। कृष्णा सोपती की भाषा शैली सहज सरल और व्यवहारिक है, तो वे प्रायः प्रसंग अनुकूल पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करती हैं। प्रस्तुत संस्मरण मियांनसीरुद्दीन में उन्होंने उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। मित्रों, मरजानी में एक ठाकुर किसान परिवार की कहानी है। इस कहानी की नायिका है इस परिवार की मझली बहू सुमित्रावंती, जिसका पारिवारिक नाम लेखिका ने मित्रों दिया है। मित्रों के विषय में लेखिका ने स्वयं लिखा है कि मित्रों ने विवादास्पद नारी चरित्र की तरह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। उनकी यह रचना साहित्य जगत में काफी चर्चित रही। लेखिका आगे कहती हैं कि ये ना रविंद्र की ओस जैसी नारी है, न शरद या जनेन्द्र के विद्रोहणी गुत्थी, इसे आदर्श का मोह नहीं, न समाज का बय है, ना ही ईश्वर का, इसके लिए किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। यह मात्र मांस मज्जा से बनी एक नारी है जिसमें स्नेह है, ममता है, माँ बनने का हौसला है और एक अविरल बहती वासना सरिता। हालांकि कुछ लोगों ने लेखिका की खूब आलोचना भी की है।
मित्रो मरजानी पर साहित्य के जरिए दलितों के प्रति समाज घृणा फैलाने का दाग भी लगा। हालांकि उनके लेखन ने आज भी पाठकों के बीच में लोकप्रिय स्थान पाया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।